हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे क्लास सिक्स के साइंस का चैप्टर थ्री ऑफ एनसीईआरटी बुक, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर से फैब्रिक। सो वी सी मेनी टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स अराउंड अस। हम बहुत तरीके के फैब्रिक्स देखते हैं अपने आसपास, जैसे बेडशीट्स हो गया, कर्टेंस हो गए, है ना, हमारे कपड़े हो गए। सो दे आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, बहुत अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स से वो बने होते हैं। कुछ कॉटन के होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। तो कुछ कपड़े जो उसमें से कॉटन के होते हैं और कुछ सिंथेटिक, मतलब जो नेचुरल नहीं होते हैं। कुछ वुलन होते हैं, कुछ सिल्क होते हैं, है ना। तो आप सबने इस तरीके के अपने घर में आसपास कपड़े देखे हैं। सो ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। सी ये जूट है, शिफॉन, सैटन, आर्कंडी, ऑर्गेंजा, एंड दिस इज आई थिंक नेट। ओके, सो ये वेलवेट है। तो बहुत तरीके के फैब्रिक्स हैं। सी दिस इज सिल्क, ये लिनन है, कॉटन है, अलग अलग नाम है अलग अलग फैब्रिक के। दिस इज ब्लेंड, दिस इज रेयॉन, दिस इज पॉलिएस्टर, दिस इज अगेन सिल्क। सो फ्रॉम दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स डिफरेंट थिंग्स आर मेड। बहुत अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स से अलग अलग चीज़ें बनती हैं, जैसे बेडशीट्स, ब्लैंकेट, टॉवल्स, कर्टेंस, टेबल क्लॉथ, डस्टर्स, एंड ये हमारे बहुत काम भी आती चीज़ें हैं ना। दिस इज टॉवल एंड दिस इज डस्टर एंड कर्टेन। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक से बने हैं। इफ वी पुल वन थ्रेड आउट फ्रॉम वन पीस ऑफ क्लॉथ, अगर हम कपड़े से एक थ्रेड बाहर निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पूरा कपड़ा जो इस पतले से थ्रेड से मिलके बना है, और ये पतला सा थ्रेड जो है और भी पतले थ्रेड से मिलके बनता है, जिनको हम फाइबर्स कहते हैं। सो थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड ये है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो फैब्रिक जो है वो यार्न से मिलके बनते हैं और यार्न जो है वो फाइबर से बनते हैं। अभी फाइबर्स आते कहाँ से हैं हमें ये देखना है। सो दिस इज यार्न एंड फाइबर। सो फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से एंड एनिमल से। और सिंथेटिक फाइबर्स हम बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम नेचुरल फाइबर्स ही देखेंगे। कॉटन ये नेचुरल फाइबर है। ये कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और क्लाइमेट वार्म होता है, गर्म क्लाइमेट जहाँ पे होगा वहीं पे हमें कॉटन मिलेगा, या कॉटन उग सकता है वहीं पे। फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, जिनको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं, वो लेमन के साइज़ के होते हैं, मतलब नींबू के साइज़ के होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बॉल्स होती हैं वो, और मैच्योर होने के बाद बॉल्स बर्स्ट हो जाती हैं एंड उसके अंदर जो सीड्स हैं जिसमें कॉटन बॉल है वो हमें दिखने लगता है लाइक दिस। सो दिस इज कॉटन प्लांट। सी फ्रॉम द बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक बाय हैंड, और यहाँ से कॉटन को, इस कॉटन प्लांट से कॉटन ज़्यादातर हाथ से पिक किया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स, तो इन सीड्स से फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। ट्रेडिशनली इसको हाथ से करते हैं, लेकिन आजकल इसके लिए मशीन्स भी यूज़ की जाती हैं। सो दिस इज गिनिंग ऑफ कॉटन, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो। अब जूट, जूट फाइबर जो है इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये स्टेम से देते हैं, रेनी सीजन में कल्टीवेट होता है, मतलब रेनी सीजन में इसको उगाया जाता है, और जो बेस्ट एरियाज हैं जहाँ पे ग्रो होता है वो है वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज, जिस समय वो फ्लावरिंग स्टेज में होता है ना उसी समय उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। द स्टेम रूट, दिस इज रूट, रूट द स्टेम रूट, द स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स, इसको हाथों से सेपरेट किया जाता है। सी लाइक दिस, दिस इज जूट प्लांट। टू मेक
फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। तो कोई भी फैब्रिक बनाने के लिए इन सारे फाइबर्स को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, यार्न्स में। मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी यार्न के पीछे। नाउ स्पिनिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। अब फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। एक सिंपल डिवाइस होता है स्पिनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो जिसको हम हैंड स्पिंडल कहते हैं, मतलब जिसको हम तकली कहते हैं, दैट इज हैंड स्पिंडल। सी इस तरीके का होता है, ये देखो लाइक दिस। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। और एक दूसरा डिवाइस यूज होता है, वो तो सबने ही देखा है, ये चरखा। इससे भी स्पिनिंग होती है, देखो। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956 टू प्रमोट खादी। अब गवर्नमेंट ने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के नाम से बताया गया। वो 1956 में बनाई गई, क्यों? ताकि हम खादी को प्रमोट कर सकें। नाउ वीविंग प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स। ये सारा प्रोसेस है, पहले गिनिंग, फिर स्पिनिंग एंड देन वीविंग। वीविंग जो है यार्न के दो सेट को जब हम अरेंज करके रखते हैं इकट्ठे, उसको वीविंग कहते हैं। सी लाइक दिस, इस तरीके से भी वीविंग होती है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। वीविंग ऑफ फैब्रिक कहाँ की जाती है? वीविंग लूम्स में की जाती है। लूम्स हाथ से भी ऑपरेट होते हैं और मशीन से भी। देखो दिस इज मशीन और ये हाथ से। नाउ निटिंग। इन निटिंग सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। जैसे स्वेटर, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, हम एक ही थ्रेड से पूरा एक स्वेटर बन जाता है ना, थ्रेड को नीट कर करके पूरा एक स्वेटर बन जाता है। सो निटिंग इज डन बाय हैंड्स एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। ये हाथों से भी की जाती है, मम्मियाँ सबकी स्वेटर बुनती है तो सबको पता है, एंड ये मशीन्स पे भी होता है। सी दिस इज निटिंग। नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लोदिंग मटीरियल। प्रीवियसली पीपल यूज बाग, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज एंड इवन एनिमल स्किन टू कवर देमसेल्व्स। अब जब फैब्रिक नहीं था तो लोग क्या करते थे, पहले जब लोगों को फैब्रिक बनाना नहीं आता था, उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो वो बड़े बड़े लीव्स को, ट्रीज के लीव्स को, या एनिमल की स्किन को, या पेड़ की छाल जिसको हम बार्क कहते हैं, उसको यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ठीक है, मतलब टाइम गुजरा, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। उन्होंने सीखा कि किस तरीके से ग्रास को वीव करके हम ट्विग्स को वीव करके आपस में मैट्स और बास्केट्स बना सकते हैं। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। और पहले के टाइम के लोग सिर्फ कॉटन के ही फैब्रिक पहनते थे, क्योंकि वही पेड़ से उगता था और वही नेचुरल फाइबर था। सिंथेटिक फाइबर की कोई नॉलेज नहीं थी, ना कोई ऐसी मशीन थी, ना कोई ऐसी इन्वेंशन थी। कॉटन बाय गिनिंग वी गेट फाइबर। अब कॉटन को गिनिंग करके हमें फाइबर मिलता है, एंड बाय स्पिनिंग वी गेट यार्न, और स्पिनिंग करके हमें यार्न मिलता है, एंड फाइनली निटिंग करके एंड वीविंग करके यार्न को हम फैब्रिक बना सकते हैं। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें फैब्रिक कैसे मिलता है। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स अस नेचुरल फाइबर। ये भी एक तरीके का पेड़ है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। फ्लैक्स सीड्स तो घर में सबके आते हैं खाने के लिए, वो उसी पेड़ की बात हो रही है यहाँ पे। सो देखो किस तरीके से उसके फाइबर्स को निकाला जाता है। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स। दीज आर मैनमेड फाइबर्स। ये हमने बनाए हैं फाइबर्स, ये नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं लिए गए, ठीक है, इसलिए इनको सिंथेटिक फाइबर्स बोला गया है। एग्जाम्पल है पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक। इसके पिक्चर्स हैं, ये देखो पॉलिएस्टर है, नायलॉन,
एंड दिस इज एक्राइलिक। सो आई होप सब बच्चों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।